हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 6:35 और मैं कपड़े पहन के तैयार हूँ, इंतजार कर रहा हूँ फ़ोन आए तब लेके चलूँ उसे। कल बताई थी जो है 6:30 चलना है जामा जिंदा, पता नहीं क्या है वहाँ, अब वही जाने तो फ़ोन की नहीं है। देखो 7 बजे आती है कि क्या बजे आती है, फ़ोन करेगी उसके बाद जाके जो है लेके चलते हैं, देखें कहाँ जाएगी। हे गाइस, बज गए हैं 4:30 और मैं सोया हुआ था सुबह से, अभी यही उठा हूँ, फ़ोन आया है तो आया हूँ मैडम के लिए क्या खाना लेने के लिए आया हूँ, हुमस रेफी कार्ड दी है तो वैसे तो आके पहुँच गया हूँ पार्किंग में। हुमस रेफी पड़ेगा सड़क के उस पार, लेकिन मैं सड़क के इधर ही हूँ, अपने साइड में गया नहीं क्योंकि तेल है ही नहीं, पूरा एकदम लुल्लो है अब, बस क्योंकि मुझे लेना है पानी इसलिए मैं गया नहीं। और मतलब यू टर्न लेके उस मतलब सड़क के दूसरी पार, उधर ही है ना दुकान, उधर पीछे अभी क्योंकि भी जाऊंगा, यू टर्न लेके आऊंगा फिर जाऊंगा, फिर इसी रूट से जाना पड़ेगा पानी लेने, तो तेल है नहीं, तो इसीलिए जो हमने कहा सोचा है गाड़ी नहीं लगा दें पार्क, रास्ता क्रॉस करके पहुंच जाएं, क्योंकि पानी लेना है, पानी का दुकान ही है देख रहे हैं वो है कॉर्नर पर, तो इसे लेके निकल लेंगे घर पे क्योंकि तेल है नहीं, गड़बड़ हो जाएगा कहीं अगर बैठ गया तो कहानी ख़त्म। तो गाड़ी जो है लग गई है पार्क भैया, और सुबह जो है उठा हूँ, इंतज़ार किया 6:30 हुआ, 7 हुआ, होते होते 10 बज गया, आए नहीं, हम भी कहा कि अपना सोए पड़े गए, खाए हुए नहीं, भूख नहीं लगी थी लेकिन सो गए हम भी, हमने कहा जा या ना जा, तो तब से सोए थे और अभी वे उठे हैं 4:30 बजे, फोन दबाया है। वाह क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बताओ, हवा चल रही लेकिन फिर भी गर्म है, क्या है दाना अमहोरियाँ निकल रही हैं, देख रहे हो इधर अमहोरियाँ निकली पड़ी हैं, लाल लाल पीला पीला, पहली बार निकला है जिंदगी में अमहोरियाँ। चलो बकचोदी यार नहीं करते हैं, लेते हैं हुमस रेफी। धूप काफी ज्यादा है गाइस, ये है सड़क की इस पार हुमस रेफी, तो गाइस जो है ऑर्डर हो गया है लेके जा रहा हूँ, अभी मुझे जो है डलवाना है पानी क्योंकि मेरी पानी हो गई है ख़त्म, तो गाड़ी में ला के रखा हूँ डब्बा, और वो है दुकान, ये है मेरी इनोवा, धूप बहुत ज़्यादा है यार लेकिन चलो हवा चल रही है मस्त, देखो ये डब्बा है, वैसे पानी जो है 3.5 रियाल का आता है, तो आ गए जी। तो फ्रेंड जो है पानी भरवा लिया हूँ, पीछे रखा पड़ा है डब्बा, अभी जा रहा हूँ रूम पे, बजने वाला है 5, आधे घंटे बीत गए, 4:54 हो रहा है। तो गाइस पानी एकदम भर गया है टकाटक,
कपड़ा वपड़ा निकाल लें, देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं। हे गाइस, वक्त हो गया है 10:42 और अभी मैडम जो है एक कार्ड दी है और एक हथिया उसकी बहनिया एक कार्ड दी है, तो बोली है कि दो तामिया लाना है और उसके बाद जो है चिड़िया का दाना लाना है 10 रियाल का, ब्रूस्टर चाहिए आईडी एक रामी से, और उसके बाद 2 डब्बा पानी चाहिए पांडे से। तो अभी जा रहे हैं जो है खाना लेने के लिए, क्या हाँ वही तामिया और चिड़िया का खाना, क्योंकि ये पहले दुकान पड़ेगा ना, तो इधर से निकलेंगे फिर आ जाएंगे पांडा पानी लेंगे फिर जाएंगे लास्ट में ब्रूस्टर लेने के लिए। अब मुझे आज बनाना है खाना, मेरा खाना हो गया ख़त्म, आज खाया और नहीं हूँ, लगी है भूख। तो जाएंगे पांडा जब पानी लेने के लिए ना, तो वैसे देखेंगे चिकन वगैरह वही बनाएंगे, बिरयानी मसाला है एक, तो सोच रहे हैं बनाएंगे बिरयानी आज। चावल, हाँ यार चावल लेना है मुझे, चावल मेरा ख़त्म हो गया थोड़ा सा है, तो चावल लेना पड़ेगा एक पैकेट। फोन करी है मैडम, बोल रही है जो है मैकडोनल्ड जाना है, आइसक्रीम चाहिए और का बोलिए फ्रेंच फ्राइज और कान का बोलिए भूल गया, अभी फोन लगा के पूछता हूँ। तो पहुँचने वाले हैं मैकडोनल्ड, फिर अब मैकडोनल्ड से जाएंगे ब्रूस्ट रामी, इन सबको देख के उसके बाद तब जाएंगे पंडा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जो है ये मिला मुझे 27 रियाल का, ओरियो आइसक्रीम है एक और 2 फ्रेंच फ्राइज स्मॉल बड़ा। तो गाइस आ गए हैं सुपरमार्केट पंडा, यार इधर तो पार्किंग चलो मिल गई नज़दीक में ही। तो गाइस ये है जर्जीर खाने वाला, देख रहे हैं क्या हाल है। जबकि 1, 2, 3 पीस बाकी है, 1.5 रियाल का है, चलो ले लेते हैं इसको। ये है फिजिल, यानी जिसको बोलते हैं मूली, लाल वाली मूली और ये सफ़ेद वाली मूली। फ़िलहाल ये तो सही है, 1.5 रुपये भी है, ये 1.5 रुपये का है। खरीदारी हो गई है, 172 रियाल लगा है, बोली ऑफर है, ऑफर कहीं कुछ नहीं है, देख रहे हैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 15 रियाल का, देख रहे हैं 15 रियाल का है एक पैक, जबकि 17 रियाल का आता है, 17 रियाल का आता है, 15 रियाल लगा है, 15 रियाल का है, 2 रियाल छूट है बस, बताओ उसमें लगा है 20 रियाल, दिया है कि 20 रियाल का डब्बा। अभी लेना है मुझे जर्जीर, क्योंकि यहाँ पे हो गया है ख़त्म, और अपने लिए मुरगी, यही मेरी इनोवा। हे गाइस, पूरी ख़रीदारी हो गई है, सारा का सारा सामान ले लिया हूँ और अपना भी मैडम का भी। तो अभी पहुँचने वाले हैं रूम पर, बज गया है 12:20 बताओ
12:20 हो गए हैं, तो पहुंचने वाले हैं रूम पे। मैडम का सामान देते हैं, उसके बाद चलिए चलते हैं अपने रूम में। हाँ यार, बनाए खाएं कुछ हम भी, क्योंकि लगी है भूख। तो यार गाइस, कपड़ा वपड़ा अपना निकाल लें और बर्तन धुलना है। हाँ, खाना बनाना है। लाया हूँ जो है, चावल है, चिकन है, बस। तो गाइस, कपड़े निकाल लिया हूँ और अभी चल रहा हूँ यार बर्तन धुलने के लिए। अभी देख रहे हैं ये है, और इसमें चावल है, ख़राब हो गया है, चींटियाँ पड़ी हैं। ओ क्या गिरा, पानी है। और इसमें यार चिकन था थोड़ा सा, खाए नहीं थे, देख रहे हैं अभी है। कौन जाए खाने, बताओ, ज़्यादा वक्त हो गया है। और बाकी टमाटर और क्या, मिर्चा, ये क्या है, हाँ क्या बोलते हैं, भाटा, बैंगन, जो भी है, पानी, प्याज भी है। चलिए बनाते हैं, अंडा बना लेते हैं, लेकिन लाना पड़ेगा रोटी फिर दोबारा। अंडा है, बहुत ज़्यादा है अंडा है। चलिए चावल बना, क्या बोलते हैं, चावल बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, कर दें बिस्मिल्लाह। तो अभी टाइम लगेगा और अभी बज रहे हैं 12:30। इन सबको धोना पड़ेगा मुझे, तो धो के और काट पीट के रेडी करके फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। हे गाइस, 2:53 हो गए हैं और मेरा खाना अभी यही बन के रेडी हुआ है। पहले तो चावल बनाया हूँ, ठीक है, देख रहे हैं चावल बन के रेडी है। और ये है चावल, और ये है बिरयानी वाला गोश्त, जो कि अभी यही तैयार हुआ है बनकर, देख रहे हैं। बनाते बनाते पूरा घर में पसीना हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद निकालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बनाते बनाते पूरा पसीना पसीना। हे गाइस, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, बच गया है 3:11 और मैंने अपना खाना निकाल लिया है, देख रहे हैं ये है मेरा खाना। तो काफ़ी इंतज़ार हो कर लिया हमने, और ये आज लाया हूँ माउंटेन ड्यू। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। आज का मेरा डिनर है वही चावल और बिरयानी वाला चिकन, देख रहे हैं। तो गैस जो है करते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। ओह चल रहा है बहुत तेज, पंखा इससे काम ही नहीं कर रहा है। हे गाइस, खाना पीना खा के फिट हो गया हूँ और अभी बज रहा है 3:30। तो अब आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म, और अपने भाई को दीजिए दिल से इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।